Assalamualaikum everyone, this is Umar Zafar and I'm back with another video. आज है 7th of Ramzan और 6 रोजे पहले बहुत अच्छे गुजर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आगे भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे रमजान गुजरेगा। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं सुबह ऑफिस आ रहा था, तकरीबन ये 8 बजे का टाइम है, तो कलमा चौक के जो ब्रिज है उसके नीचे से गुजर रहा था, वहाँ पे एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, बट वो हमारी पाकिस्तानी आवाम का हालात को बयान करता है कि हम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना वो ज़रूरी है। अब हुआ कुछ यूँ कि एक 125 पर लड़का था जिसने हेलमेट वगैरह कुछ नहीं पहना हुआ था, शलवार कमीज पहना हुआ था। मेरे ख्याल में उसकी बाइक की नंबर प्लेट शायद नहीं थी, बट आई एम नॉट श्योर। बहुत स्पीडली ये सारी चीज़ें हुई। वो लड़का गुजर रहा था ब्रिज के नीचे से, तो जो इशारा है वहाँ से फिरोजपुर रोड की तरफ चढ़ना था उसने रोड पे। अब रास्ते में एक वार्डन खड़ा हुआ था, वार्डन ने उसको रोकने की कोशिश की बट उसने वार्डन को धक्का दिया और वो वहाँ से स्पीड में बाइक चलाता हुआ निकल गया। अब ये बेसिकली हमारी अगर देखा जाए एक बहुत छोटा सा वाकया है, बट इससे हमारी अपनी कौम की एक हालात और हरकत का भी पता चलता है कि हम रूल्स को फॉलो बिल्कुल नहीं करते और रूल्स तोड़ने को फ़ख्र महसूस करते हैं। अब जैसे इस लड़के ने किया, ऐसे बेशुमार लड़के रोज़ ये हरकतें करते हैं कि वो हेलमेट वगैरह उन्होंने नहीं पहना होता, लाइसेंस उनके पास नहीं होता, बाइक के पेपर्स उनके पास नहीं है, आईडी कार्ड उनके पास नहीं होता, तो एक क्रिमिनल ही कंसीडर किया जाता है ऐसे बंदे को। और ऐसे लड़के रोज़ रोड्स पे ऐसे ही गुजर रहे हैं और हम पता नहीं क्यों रूल्स को फॉलो नहीं करते। हेलमेट पहनना क्यों ज़रूरी नहीं है, आई डोंट नो। कितने रोड शोज ऐसे आते हैं जो डिफरेंट टीवी चैनल्स कर रहे हैं कि जी लोगों से पूछते हैं हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे, जी मुझे सांस का मसला है, मुझे साइडों पे दिखाई नहीं देता, या उसमें दम घुटता है, या आदत नहीं है, या बाल ख़राब हो जाते हैं। बड़े लेम एक्सक्यूज़ होते हैं, मगर हेलमेट हमारी अपनी ही सेफ्टी है। इसके अलावा रोज़ आप रोड्स पे देखते होंगे, बल्कि आप खुद भी करते होंगे कि जहाँ कहीं मौका लगा रेड लाइट पे भी हम गाड़ी या बाइक गुजार देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक क्रिमिनल ऑफेंस है कि हम नहीं रुकते। मेरी बड़ी कोशिश होती है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फॉलो करता हूँ कि हर इशारे पे रुकूँ, हेलमेट पहनूँ, लाइसेंस आईडी कार्ड बाइक पेपर हर वक्त मेरे पास मौजूद होते हैं, क्योंकि एज ए गुड सिटीज़न हमें इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, जो बेसिक रूल है किसी भी कंट्री में रहने के। पाकिस्तान में एक्चुअली मसला ये है कि हम किसी रूल को फॉलो कर नहीं रहे होते, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने लीडर्स से, अपने हुक्मरानों से कि वो हमें अच्छी लाइफस्टाइल दें, बट जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे तब तक हमें अच्छा लाइफस्टाइल नहीं मिल सकता। तो ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने आज देखी, और इसमें आप रोज़ भी मुशाहिदा कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में कि हम यही करते हैं। अब बच्चों के साथ जब पेरेंट्स जा रहे होते हैं, वालिद साहब अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं या स्कूल से वापस लेके आ रहे होते हैं, तो वो खुद रोड पे सिग्नल की परवाह किए बगैर जा रहे होते हैं, हर सिग्नल को क्रॉस करके जाते हैं रेड लाइट पे। अब उससे हम अपने बच्चों को ही ये सीख दे रहे हैं, यही बच्चे बड़े होकर ऐसी हरकतें करते हैं, इशारे पर नहीं रुकते, ना किसी रूल को फॉलो करते हैं, फिर हम कहते हैं कि जी हमारी कौम के साथ ये क्यों हो रहा है। क्योंकि हमें खुद बदलना होगा। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि हम जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे ये मुल्क नहीं बदलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की छोटी सी बात आप थोड़ी सीखेंगे, इस पर कोशिश करेंगे ठीक करने की कि अब हम जो बेसिक रूल्स हैं, हुकूमत हमें कुछ दे रही है या नहीं दे रही, हम तो एक अच्छी कौम बनने की कोशिश करें, कतार बनाएं, सिग्नल्स पे रुकें और रूल बेसिक रूल्स को फॉलो करें। उम्मीद है कि इससे थोड़ी सी लर्निंग हुई होगी आज की वीडियो से आपकी, मगर मुझे पता है लोगों की वो कहते हैं सरों पे जूता अग्नि रिंगेगी इससे, मगर मेरा काम है इस्लाह की बातें फैलाना, आपसे शेयर करना, शायद कोई चेंज आ जाए। एक बंदा भी अगर इसको फॉलो करेगा तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात होगी और मुझे बहुत खुशी होगी इस चीज़ की। इंशाल्लाह कल फिर किसी और बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए दिस इज़ द फर्स्ट साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।